बहुत पहले विट्ठल नाम का एक राज्य था, जिसमें मोहिनीपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में चारों ओर हरियाली थी और गांव के अधिकतर लोग खेती और दूध बेचकर रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन गांव में एक किसान ऐसा था जिसकी गांव में जमीन होने के बावजूद वो खेती नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी जमीन बंजर थी। उस किसान का नाम बधू था, जो कि अपनी बंजर जमीन से बहुत परेशान था। उसने हर तरह की खाद, पानी और सारी तरकीबें लगा ली, लेकिन उसकी बंजर जमीन उपजाऊ नहीं बन सकी। इस सब से निराश बधू अपनी किस्मत को कभी कभी कोसता भी था, लेकिन हार नहीं मानता था। वो रोज अपने मवेशियों से उस बंजर जमीन को इस उम्मीद से जोतता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी ये बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। घर चलाने के लिए बधू ने दो गाय पाल रखी थी, जिनका दूध दुहकर वो अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मवेशियों और गाय के चारों में ही उसकी आधी आमदनी चली जाती थी, जिसकी वजह से बधू का मुश्किल से गुजारा हो पाता था। इतना होने के बावजूद वो अपने मवेशियों का बहुत ख्याल रखता था और उन्हें कभी भी चारे की कमी नहीं होने देता था, जिसके कारण उसके बैल और गाय बहुत स्वस्थ थे। बधू के घर से थोड़ी ही दूर पर धम्मू नाम का किसान रहता था, जिसके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन वो अपने मवेशियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। वो उन्हें मारता, पीटता और कभी कभी तो पूरे दिन मेहनत करवाने के बाद भी चारा नहीं देता था, जिसके कारण उसके मवेशी बहुत कमजोर हो गए थे। इससे जमीन होने के बावजूद उसकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती थी। उसकी हमेशा से बधू के मवेशियों पर नजर रहती थी, क्योंकि बधू के मवेशी बहुत स्वस्थ थे। धम्मू किसी न किसी तरह उसके मवेशियों को हत्याना चाहता था। एक दिन उसको ये मौका मिल भी गया। बधू की आमदनी ज्यादा नहीं थी और महंगाई बढ़ने के साथ ही उसके लिए दो गायों और दो बैलों को रखना मुश्किल होता जा रहा था। गाय तो उसकी आमदनी का जरिया थी, लेकिन बैलों को वो बेचना चाहता था, क्योंकि उसकी उनसे कोई आमदनी नहीं हो रही थी, बल्कि उनपे चारा पानी खर्च ही हो रहा था। इसीलिए वो अपने बैलों को बेचना चाहता था, क्योंकि वो उनका खर्चा और नहीं उठा सकता था। और इसके लिए उसने गांव में अपने बैलों का खरीदार ढूंढना शुरू कर दिया। जब धम्मू को ये बात पता चली तो वो दौड़ा दौड़ा बधू के पास आया कि कहीं उससे पहले बधू के बैलों को कोई खरीद ना ले। धम्मू बधू से बोला, अरे बधू भैया, हमने सुना है कि तुम अपने बैल बेचना चाहते हो। बधू ने कहा, हाँ भाया, मैं अब इन बैलों का खर्च और नहीं उठा सकता। खेत भी उपजाऊ नहीं हुए और आमदनी भी उतनी नहीं है। मैं तो चाहकर भी इन्हें नहीं रख सकता। धम्मू बोला, अरे बधू भैया, कोई बात नहीं, बताओ कितने में बेचोगे दोनों बैल। बधू बोला, भाया, मेरे दोनों ही बैल स्वस्थ और सुंदर हैं। अगर मुझे दोनों के लिए 50 अशर्फियां मिल जाएं, तो बुरा नहीं होगा। बधू ने अपने बैलों का उचित दाम ही मांगा था, लेकिन धम्मू चालाक था और उन्हें सस्ते में खरीदना चाहता था, इसलिए धम्मू चौंकते हुए बोला, अरे राम राम, इतना महंगा? बधू भैया, तुम तो जानते ही हो कि आजकल बैल कितने सस्ते हो गए हैं, और तुम्हारे बैल तो बूढ़े हैं, इतना दाम तो कोई जवान बैल का भी नहीं लेता। निराश बधू बोला, ठीक है भाया, तुम ही बताओ कितने में खरीदोगे। धम्मू ने रौब भरी आवाज में कहा, 30 अशर्फियां, उससे एक अशर्फी ज्यादा नहीं मिलेगी। बधू अपने बैलों के इस दाम से खुश नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए बधू ने धम्मू को 30 अशर्फियों के बदले अपने बैलों को बेच दिया। अपने बैलों को बेचने के